नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ऐसे वृक्ष के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसके फलों, पत्तियों, छालों, जड़ों इत्यादि सभी भागों में अद्भुत औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे रोगों में उनको ठीक करने में कारगर होते हैं। आज के सेशन में हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वृक्ष है कदम, जो कि भारत में अधिकांशतः यह वृक्ष पाया जाता है। धार्मिक महत्व से भी इसकी काफ़ी प्रसिद्धि है, ये एक पवित्र वृक्ष है। इस औषधीय वृक्ष के बारे में हम आपको बताएंगे इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स में दोस्तों, ये डायबिटीज़ हुआ या कैंसर हुआ इत्यादि में एक कारगर वृक्ष है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि बढ़ गया है तो उसको उस लेवल को सही करने में भी ये कारगर है। फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से जनित इन्फेक्शन है इत्यादि में ये कारगर है। हड्डियों संबंधी जैसे गठिया हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, मांसपेशियों में अकड़न है, इन सब में ये वृक्ष, इसके फल, इसके पत्तियाँ, इसकी जड़ें काफ़ी कारगर होती हैं। खांसी हो गया, बुखार हो गया, या मुँह में छाले हो गए, दस्त की प्रॉब्लम है, पाचन क्रियाओं संबंधी इत्यादि सभी प्रॉब्लम में ये कारगर है। स्किन डिजीज है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, या बॉडी में किसी भी जगह कहीं स्वेलिंग हो गया है, स्वेलिंग को दूर करने में भी ये काफ़ी कारगर है। चोट लग गया और चोट इत्यादि को भी सिकाई करने में ये काफ़ी कारगर है। इसके अलावा वेट लॉस में भी इस वृक्ष का काफ़ी महत्व रहा है। इस वृक्ष के पत्तों में, फलों में, इसके छाल में, इसके जड़ों में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। पत्तों को उबाल कर या पीस कर चोट वाले जगह पर लगाने पर चोट में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा यदि कब्ज से प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, तो उसमें इसके फलों में सेंधा नमक वगैरह मिलाकर उसको यूज करने में काफ़ी आरामदायक होता है। पाचन क्रिया संबंधी किसी भी समस्या में इसके फलों का बहुत ही महत्व है। टाइप 2 के डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा यदि विषैले कीड़े मकोड़े से प्रभावित जगहों पर इसके पत्तियों के रस को लगाने से उस जगह पे काफ़ी आराम मिलता है, विष जो है वो बाहर निकल जाता है। इसके फल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, ये खाने में भी अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वृक्ष है। इसके फलों को बड़ी चाव से खाया करते थे। तो दोस्तों, ये आज के सेशन में हमने बताया आपको कदम के वृक्ष के फलों, पत्तियों, जड़ों इत्यादि के महत्व के बारे में। आपने जाना कि कदम के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल में जो दोस्त नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के तमाम वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।